नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि बिहार का। सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा रहा है। मौसम तो गर्म है ही, लेकिन राजनीति भी गर्मा रही है। अब जरा सोचिए कि एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्तों को ठीक होने की जो बात है वो कही जा रही है, कहा जा रहा है कि कोई अनबन नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सहयोग के साथ सरकार चल रही है, आगे भी चलती रही है, लेकिन बीच बीच में बीजेपी के ही विधायकों के द्वारा कुछ ऐसा कह दिया जाता है जिसको लेकर एक बार फिर से दोनों के बीच की जो नोक झोंक है वो खुलकर सबके सामने आ जाती है। अब जरा सोचिए कि बीजेपी के विधायक को ये कहने की क्या जरूरत थी कि इस वक्त बीजेपी बिहार में दरोगा की भूमिका में है और आगे एसपी के भूमिका में नजर आएगी। यानी कि इशारों ही इशारों में बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं जो कि बीजेपी से हैं, लेकिन आगे वाले समय में मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे, इस बात के संकेत अभी से ही दिए जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला कैसे उठा ये भी आपको बताते हैं। बता दें कि बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त बिहार में बीजेपी दरोगा के भूमिका में है, लेकिन आगे एसपी के भूमिका में नजर आएगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि समय समय पर अचानक बीजेपी के विधायक कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसको लेकर राजनीति गर्मा उठती है। इससे पहले भी विनय बिहारी की तरफ से ये कहा गया था कि तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें आगे चलकर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि ये सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो एक बार फिर से विवादित बयान है वो बीजेपी के विधायक के द्वारा दिया गया है। जेडीयू और बीजेपी भले ही खुलकर अपने बीच चल रहे अनबन को लेकर इनकार करती हो, लेकिन इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि सब कुछ सही नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। और यही वजह है कि हर समय समय पर जो बयान है वो बीजेपी के विधायकों के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में एक बार फिर से ये विवादित बयान बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने दरोगा से एसपी बनने की बात कही है। हालांकि अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीच में ये बातें उठ रही थी कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन इन तमाम अटकलों पर भी पूर्ण विराम लगाया गया। बीजेपी के विधायक हो या फिर जेडीयू के हो, उन तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, सीएम नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, वो बिहार के मुख्य मंत्री ही बने रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है बीजेपी के विधायकों पर, आखिर जब उनकी तरफ से सब कुछ ठीक होने की बात कही जाती है, ये कहा जाता है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते सही हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है, सीएम नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी, आखिर फिर इस बीच इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं, इसके मायने क्या है, आखिर क्यों ऐसा कहा है विनय बिहारी ने कि दरोगा से एसपी आने वाले समय में बीजेपी बन जाएगी, इसके मायने बीजेपी ही समझ सकती है। लेकिन संकेत साफ है कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के होंगे, और यही वजह है कि ये बयान जो बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की तरफ से दिया गया, इसके साफ साफ मायने निकल रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इस बयान के बाद आगे क्या कुछ राजनीति बिहार में देखने को मिलती है और किस तरह से इसको जेडीयू के विधायक लेते हैं इस बयान को, और आगे क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।